हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, हमारे इस नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं मेरे प्यारे भाइयों, आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। और सुबह के बजने वाले हैं 10:30 और अभी हम घर से निकल लिए हैं। कल रात के बज गए थे भाई 10:11, नींद भी लेना जरूरी था क्योंकि आज निकलना है बाहर, काफी दूर जाना है। और सुबह से लगी हुई थी गाड़ी की साफ सफाई में, जो एक्स्ट्रा सामान वगैरह था वो सारा निकाल दिया है। और गाड़ी का जो है स्टेपनी वगैरह और जो टायर आगे पीछे करने थे, क्योंकि 3 टायर तो हमारी गाड़ी में नए हैं और 2 हैं पुराने। तो भाई अब जो है पूरा सिस्टम जिसको जहां बिठाना चाहिए, मतलब आगे दोनों नए लगाने चाहिए, तो आगे दोनों नए लगा दिए, जबकि एक नया लगा था एक पुराना लगा था, दोनों पीछे नए लगे हुए थे। तो वो सब सिस्टम आगे पीछे वाला था सारा कुछ कर लिया है। अब यहाँ चलना है, हवा में टायर प्रेशर चेक करेंगे क्योंकि लॉन्ग रूट जा रही है तो प्रेशर सही होना चाहिए। उसके बाद जाएंगे एसी फिल्टर और एयर फिल्टर चेक कराएंगे, मतलब क्लीन कराएंगे, सर्विस तो लौट के आके बाद में कराएंगे, और दो टायर भी डलवाएंगे और वहीं पे गाड़ी का वास कराएंगे, गाड़ी धुलवाएंगे उलवाएंगे चकाचक। कस्टमर ने बुलाया है 12 बजे, वहां से फिर सीधे निकलेंगे सीहोर के लिए राजस्थान। 2-3 दिन का टूर है भाइयों, बने रहिएगा। हम आपको बताते हैं कि आज तक यात्रा हमारी कहां तक पहुंच पाती है और कितनी गाड़ी चलती है और सीएनजी वगैरह हमारा कितना किलोमीटर। वैसे सीएनजी का बता दें, मोटा मोटी 4 रुपए प्रति किलोमीटर का खर्चा आता है भाई। अगर जो हम 200 किलोमीटर चलते हैं तो लगभग 600-800 रुपए की सीएनजी लग जाती है। तो 4 रुपए किलोमीटर के एवरेज से मान लो हम मोटा मोटी मान लेते हैं। तो ठीक है, देर न करते हुए चलते हैं सीधा। अब गाड़ी का टायर का प्रेशर, हवा प्रेशर चेक कराते हैं, मैकेनिक को पूरी गाड़ी दिखा देंगे और एसी फिल्टर एयर फिल्टर भी साफ करा लेंगे। अगर बेसिक कोई प्रॉब्लम हुई तो उसको भी क्लियर कराएंगे। वैसे कोई प्रॉब्लम है नहीं क्योंकि हम लोग गाड़ी चलाते हैं, हम लोग पता रहता है गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है, बस एसी फिल्टर एयर फिल्टर उसको साफ करा लेंगे। 5,000 के बाद करा लेना चाहिए, लेकिन 5,000 के बाद नहीं कराए थे तो हमने कहा चलो अब आज बाहर जा रहे हैं तो आज ही करवा लेते हैं। तो ठीक मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग लगातार बने रहिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। और जिस भाई ने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दे, जिससे कि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन के द्वारा उसके पास सबसे पहले पहुंचे। और भाई लाइक और कमेंट भी किया करें कि हमारा वीडियो कैसा लगता है और आगे हमें वीडियो कैसे बनाने चाहिए। तो ठीक है, मिलते हैं फिर कुछ देर के बाद, तब तक आप करें वेट, लगातार बने रहिएगा मेरे प्यारे भाइयों। हाँ भैया, पहुंच गए झांसी। यहाँ जो है सीएनजी के लाइन में खड़े हुए हैं सीएनजी भराने। भाई देख सकते हो आप कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, हालांकि ज्यादा आगे दिखाई भी नहीं दे रही यहाँ से, लेकिन 50 मीटर होगी लगभग जो है 10 गाड़ियां हमारे आगे लगी हुई हैं। अब आगे पता नहीं कहाँ सीएनजी मिलेगी नहीं मिलेगी, तो हमने कहा चलो यहीं से डला लेते हैं। तो भाई अभी हमारी गाड़ी हमारे कानपुर से चल चुकी है 234 किलोमीटर और पेट्रोल हमने 2500 रुपये करा लिया है फुल, और सीएनजी हमारी हो रही खत्म। हम मीटर देख सकते हो डिस्प्ले में, यहाँ भरा लेंगे फिर 200 किलोमीटर के बाद अगर मिलेगी तो डला लेंगे, नहीं तो पेट्रोल हमने भरा लिया है यहाँ पे। तो हमें मालूम था कि मिलेगी झांसी तक, वो आगे का क्या है क्या नहीं है वो नहीं पता। क्या हुआ, अभी बंद है क्या, भर नहीं रहा क्या, चालू नहीं, भर नहीं रहेगा? अच्छा भर रही है। भाई हमने कहा पहले सीएनजी भरा लेते हैं, बड़ी लंबी लाइन लगी है, कस्टमर हमारे कह रहे भैया, हमने कहा रास्ते में पड़ेगी जरूरत तो एक जगह और मिलेगी सीएनजी तो डरा लेंगे, नहीं मिलेगी तो इसी पे ही चलेंगे। भाई हमारा जो साथी अमित आया हुआ था वो भी जा रहा था सीहोर राजस्थान MP, लेकिन उसकी जो है UP परमिट गाड़ी थी, गाड़ी तो अभी नई थी 6 महीने पुरानी, लेकिन उसने गलती ये की थी कि जो है उसका सिर्फ UP परमिट था और गाड़ी लेके वो आ गया था, MP बॉर्डर में घुस रहा था। तो पहले भाई RTO ने रोका और बोला चालान वालान करेंगे, तो भाई 500 रुपये दे के छूट गया, बोला जाओ झांसी में जाके पास बनवा के लाओ। झांसी ना आके फिर उसने लड़कपन किया, फिर गाड़ी आगे बढ़ा दी, RTO ने देख लिया भाई, दौड़ा के पकड़ लिया, उसका मोबाइल भी छीन लिया और फिर उसे झांसी आना पड़ा। अभी बात नहीं हुई है, देखते हैं उसका पेपर बना है कि नहीं बना, वो आगे जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा, अभी मुलाकात भी नहीं हुई है। रुके हुए हैं चाय के लिए ढाबे पे, ये फ्री हमारी गाड़ी,
और ये रहे हम, बिस्कुट खा रहे हैं, चाय तो अभी बन रही है, देखते हैं कितने 10-5 मिनट, 2-4-5 मिनट तो लगेंगे ही बनने में, जब तक कि लेते हैं बिस्कुट का मज़ा। हमारा जो साथी भाई वो निकल के जा चुका है, 500 रुपये पुलिस वाले ने लिए थे और वो झांसी RTO गया था, लेकिन उसका वो बन नहीं पाया पेपर। और उसके पापा हैं ड्राइवर जो कि कालपी में रहते हैं, और हमारे अमित दोस्त का घर भी कालपी में ही है, तो उसके पापा ने कोई रास्ता बताया शॉर्ट बचने का, जिससे RTO नहीं मिलेगा, हाईवे के पास से कोई गांव का रास्ता होगा। तो भाई उधरी से जो है निकल के जा चुका है और हमसे 150 किलोमीटर लगभग आगे, क्योंकि वो चला था सुबह और हम चले थे जो है दोपहर को 2:30 बजे, तो ये टाइम का जो अंतर है इस वजह से 150 किलोमीटर हमसे वो आगे है और हम लोग रुके हुए हैं। अब गाड़ी लगभग 250 किलोमीटर हम लोग की चल चुकी है और रुके हुए हैं पहली जगह चाय पीने के लिए। CNG हमको मिल गई थी, हालांकि प्रेशर कम था, लेकिन चलो सही है, काम चल गया। हमारी बन रही है चाय, चाय बन जाएगी उसके बाद पीने के बाद हम लोग यहाँ से नॉन स्टॉप फिर 150-200 किलोमीटर जाएंगे, उसके बाद किसी ढाबे पे रुक के हम लोग खाना वाना खाएंगे। तो चलिए चलते हैं, पीते चल चाय और उसके बाद का अपडेट आपको बताते हैं। और भाई घर से जो हम आए थे, हम बता दें आपको बात कि जो है ऊबर की एक राइड लेके आए हुए थे, ऊबर की राइड जो कि दूरी थी 18 किलोमीटर, 250 बिल बना था, हमको 220 रुपये मिले थे ऑपरेटर। तो ऊबर की राइड आज बहुत दिनों बाद की है, और हमको तो आना ही था रामा देवी की तरफ अन्ना चौरा, तो रामा देवी तक का हमारी बुकिंग थी, वहाँ ड्रॉप करने के बाद तुरंत जो है हम चले गए थे पार्टी के पास। हालांकि रामा देवी से सीधा जो है यशोदानगर की तरफ नहीं जाने देते हैं, तो हमने उल्टा फ्लाईओवर चढ़ के जो है फिर जो है गए थे अन्ना चौराहे की तरफ। तो भाई अब चलते हैं, पीते हैं चल के चाय, उसके बाद फिर ब्लॉग शूट करते हैं, मिलते हैं फिर कुछ देर के बाद। आ गया भाई छोटा टाइगर, देखो वही भाई रुके हुए यहाँ खाना खाने के लिए, हम लोग जो है ये है ढाबा और हम लोग खाने जा रहे हैं भाई खाना, और ये खड़ी हमारी गाड़ी आप देख सकते हो, ये यार थोड़ा सा उखड़ गया है, चिपकाया था हमने लेकिन ये बना नहीं है, वैसा कि वैसा ही है। अब यहाँ से जाने के बाद भाई जैसे ही सहारा ख़त्म होएगी वैसे ही इसमें दो टायर, देखो ये भी पुराना वाला है, दो टायर डलवाने हैं और ये गाड़ी बॉडी शॉप में डालना है। ये है कुछ ढाबा, होटल चंद्रांश पप्पू ढाबा, चलते हैं खाते हैं फिर चल के खाना। और ये भाई अपना छोटू लगा हुआ है, ये नहीं मान रहा है, ये देखो क्या है चलिए फिनिश करते हैं खाना फिर बताते हैं आपको बाद में बात। हाँ तो भैया खाना वाना खा लिया है, हमने कहा थोड़ा सा टहल लिया जाए क्योंकि जो है खाना खाने के बाद फिर मौका मिलेगा नहीं गाड़ी से नीचे उतरने का, क्योंकि अब 250 किलोमीटर यहाँ से बचा है, 4-5 घंटे की दूरी सिंगौर, उससे पहले ही हम लोग रुक जाएंगे। तो पिछले साल हम लोग इसी साल इसी समय आए थे, पिछले साल वहाँ बहुत भीड़ हो गई थी, होटल वगैरह कुछ खाली मिले नहीं थे, तो बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा था, क्योंकि इतनी ज़्यादा पब्लिक पहुँच जाती है तो उससे क्या होता है कि होटल वगैरह सारा कुछ पहले से ही फुल हो जाते हैं, तो प्रॉब्लम होती है। तो सिंगौर से लगभग 30-40-50 किलोमीटर पहले कोई ढंग का होटल देखेंगे, तो वहीं पर हम रुकेंगे भाई। ये प्रोग्राम हुआ है, खाना पीना हम लोगों खा लिया है, हम अपना इधर टहल रहे हैं और हमारे भाई साहब उधर अभी कुछ धीरे धीरे खा रहे हैं, तो अपना खाने में लगे हुए हैं। और वो सामने खड़ी हुई है भाई हमारी गाड़ी, हालांकि रोशनी ट्रैक्टर जा रहा है, ये हाईवे के जस्ट बगल में है,
तो ठीक मेरे प्यारे भाइयों, आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। कल एक नए ब्लॉग में आएंगे और आपसे मुलाकात होगी, कुछ अच्छी जगह दिखाएंगे। आज तो नहीं दिखा पाए क्योंकि जो है गाड़ी चलाने में ही इतना व्यस्त रहे। अभी तक लगभग जो है 350 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है और 250 किलोमीटर अभी और चलाना है, तो लगभग जो है 600-700 किलोमीटर जो है पड़ेगा जाके एक तरफ से सिंगौर, उसके बाद फिर महाकालेश्वर एक मंदिर और कोई है, दो जगह जाएंगे। तो ठीक मेरे प्यारे भाइयों, कल एक नए ब्लॉग में आपसे मिलते हैं, फिर एक कुछ नए दृश्य दिखाते हैं। तब तक के लिए राम राम, गुड बाय, शुभ रात्रि। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा।